Here is one hidden gem on Netflix that you need to watch right now. Three of Us, based on Shailja, Dipankar and Pradeep. Best Feature Film Award winning ये movie आपको mentally ऐसे affect करेगी कि आपको इसे भुलाने के लिए एक और movie देखनी पड़ेगी. कहानी शुरू तो शैलजा की dementia से होती है, लेकिन खत्म होती है multiple different angles पे. I bet ये फिल्म आपको आपकी childhood home जाने पर मजबूर कर देगी. Talking about the plot, शैलजा डिमेंशिया पेशेंट है और इससे पहले वो सब भूल जाए उन्हें अपने बचपन के गांव बेंगरूला जाना है. ये बचपन का वो वाला पार्ट है जिसके बारे में शैलजा ने कभी अपने हस्बैंड को बताया ही नहीं है. अब ये दोनों बेंगरूला के लिए निकल जाते हैं. वहां ये मिलेंगे प्रदीप कामत से एंड विद दैट कम्स द टर्निंग पॉइंट ऑफ द मूवी. शैलजा अपने पास्ट में अपने प्रेजेंट के साथ खड़ी है. मल्टीपल इंसिडेंट्स दैट हिट हर माइंड, मल्टीपल इमोशंस दैट हिट हर हार्ट, इस पे पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है. अविनाश अरुण ने मूवी को बहुत पीसफुल और नॉस्टैल्जिक फील दिया है. पास्ट ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स, पहला प्यार, प्रेजेंट हस्बैंड और सब कुछ भूल जाने का डर. दिस मूवी इज अबाउट अ लॉट मोर एंड यू माइट थिंक इंडस्ट्री को एक और इरफान खान मिल गया है. अब ये कौन है, इसके लिए यू हैव टू वॉच थ्री ऑफ अस स्टारिंग शेफाली शाह, जयदीप अहलावत एंड स्वनंद किरकिरे. गो एंड वॉच दिस नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स मूवी जिसे IMDb पर 10 में से 7.6 रेटिंग मिली है.